हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैलम एंड फिटनेस। आज का जो वर्कआउट वीडियो होने वाला है, आप हमने लेख के समझ गए होंगे, फुल बॉडी वर्कआउट होने वाला है जिसमें आपको जरा से भी इक्विपमेंट की नहीं होने वाली है। कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपका बॉडी वेट चाहिए और इसके लिए स्पेस भी ज़्यादा नहीं चाहिए, कहीं पर भी कर सकते हो। अभी मैं आउटडोर पार्क में आया हूँ तो पार्क में आपको वर्कआउट करके दिखाऊंगा। आप पीजी में हो, हॉस्टल में हो, घर पर हो, पार्क में हो, जिम में हो, कहीं पर भी आप वर्कआउट कर सकते हो। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कीप वॉचिंग कैलम एंड फिटनेस, वी विल बी राइट बैक। सो ये पूरी बेसिक सीरीज होने वाली है फुल बॉडी वर्कआउट की। इसकी एडवांस सीरीज भी आप पहले अकाउंट में जाके चेक कर सकते हो। सो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और फुल डिटेल के साथ बनाई गई वीडियो, तो उसका एक एक पॉइंट ध्यान से देखना, कितने सेट्स और कितने नंबर ऑफ रेपिटेशन होने वाले, कितना रेस्ट चाहिए आपको। सो जो पहली एक्सरसाइज होने वाली है, एक्सरसाइज से पहले सबसे पहले वार्म करना चाहिए, तो मैं आपको पहले वार्म दिखाता हूँ। क्विक वार्म अप होने वाला है, ज़्यादा वेट करेंगे टाइम को, 30-40 सेकंड को वार्म अप लेते हैं फुल बॉडी एंड देन अपना स्टार्ट करते हैं सीधा पहली एक्सरसाइज जो होने वाली है पुशअप।
सो गाइस यहाँ पे मेरा वर्कआउट हुआ था कंप्लीट, फुल बॉडी वर्कआउट हो गया कंप्लीट। अभी मैंने जैसे अभी पानी पिया तो ये भी मेरे पास पानी था। पानी पीना बहुत ज़रूरी है, बिटवीन सेट्स भी पीना है और बाद में पीना पानी, क्योंकि बॉडी डिहाइड हो जाती है अगर आप ऐसे वेदर में कर रहे हो जैसे बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, तो इसमें पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। पानी कितना पीना चाहिए वो बता देता हूँ, बस हमें आपका जो गला सूख रहा है उसको बस तैयार करना है। तो एक हल्की सी टिप लेनी है, ब्रेन सेल्स को ये बताना है कि हमने पानी पी लिया है, ज़्यादा नहीं पीना है, ज़्यादा पानी नहीं पीना है। ज़्यादा पानी पी लोगे तो वर्कआउट ज़्यादा आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, और अगर आपको ये जो फुल बॉडी वर्कआउट है आपको थोड़ा हार्ड लगा तो इसमें आप नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ रेपिटेशन को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। एक सेट को कम कर दीजिए, नंबर ऑफ रेपिटेशन 12 से 15 तो उसको 10 से 12 कर दीजिए, और रेस्ट बिटवीन लेना है आपको 20 से 30 सेकंड, जो कि बहुत इनफ है। आप 40 सेकंड भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी बॉडी कितनी रेस्ट पे, आप कितनी थकी हुई है, उसके अकॉर्डिंग अपना रेस्ट ले सकते हो। और ऐसे ही आप अपने वर्कआउट में जो टाइम पीरियड है, रेस्ट पीरियड है, वो कम कर सकते हो और वर्कआउट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। सो इसी के साथ वर्कआउट को करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, इसी तरीके से वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो ये थी बिगनर्स की सीरीज, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।